पूरे देश की जान बचाते बचाते वो बेटी अपनी जान गवा दिया। पूरे देश की हमें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और हम ही पे अन्याय, हम नहीं सहेंगे ये बात। पूरे देश की जान बचाते बचाते उसने अपनी जान गवा दिया है, हम इसके लिए लड़ेंगे, सहेंगे नहीं इस बार। निर्दिष्ट भाव कोलकाता जो भाई आरपी कर हॉस्पिटल जो अघटना घटे ताक नहीं बर्तमान समग्र देश में तीव्र प्रतिवाद देखा देखाई। आज भुवनेश्वर एम्स में डाक्तरी छात्र मैंने से पक्षर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई से जो भाव एम्स कैंपस जो एजुकेशन करूँ बर्तमान रैली कर ओपीडी सामने। आपका डिमांड क्या है, क्या है आपका डिमांड? हमारा डिमांड जो है बहुत बेसिक डिमांड है। जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के ऊपर कुकृत्य होके उनका ऑन ड्यूटी डॉक्टर की हत्या की है, ये जो हुआ है वो सुरक्षा के अभाव की वजह से हुआ है। और जो डॉक्टर इसके प्रति समाज में आंदोलन कर रहे थे, तो जो आंदोलन करते हुए डॉक्टर को वो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, उन डॉक्टरों पे मॉब अटैक हुआ है और बहुत सारे डॉक्टरों को इंजर किया गया है। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को तोड़ दिया गया है, ये दिखाया गया है कि हम आपके घर में घुस के हम मारेंगे, तो ये क्या है? जो डॉक्टर माने कहते जो डॉक्टर मान बराबर आक्रमण हो आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि हम जिस काम करते हैं वहाँ पे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम सबके लिए लगना चाहिए। पूरे देश की जान बचाते बचाते वो बेटी अपनी जान गवा दिया। पूरे देश की हमें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और हम ही पे अन्याय, हम नहीं सहेंगे ये बात। पूरे देश की जान बचाते बचाते उसने अपनी जान गवा दिया है, हम इसके लिए लड़ेंगे, सहेंगे नहीं इस बार। ओडिशा रे बार बार ओडिशा रे मध्य कहबे ओडिशा कथा कोंतु कि जातीय स्तर रे कोंतु बहुत समय रे डॉक्टर मान को प्रति बराबर आक्रमण होउछ, आपन आकु केबल भाबे देखछन सेटार गोटे बोली प्रमुख कारण होउछ आम मन को सुरक्षा पई कोनोसी प्रकार एक्ट नाही। सेतपई हमर दाबी होउछ जे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होउ जा फलर कि जो जे भी ए काम करिया को चाहौचंती से सेटा करिया पूर्व एटलीस्ट 100 तर भाबंतु डॉक्टर को ऊपर को हाथ उठिया पई हाथ उठिया पूर्व 100 तर भाबंतु। तो यह पई गोटे कड़ा लॉ होउ कड़ा एक्ट होउ सेंट्रल प्रोटेक्शन आउट होउछ हमर एबे डिमांड। देखिबे जो भली भाबे डॉक्टर छात्र माने आज कला ब्याज मते परिधान करछन्ते आपनकर एजुकेशन केते परे को एक्सटेंड पोजिशन रहइबो? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही है, अभी वेस्ट बंगाल में एक घटना हुई, उसके बाद दूसरी घटना हुई, अभी उत्तराखंड में भी एक ऐसी घटना हुई, तो इसमें हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना चाहिए। अभी दिन प्रतिदिन ऐसी समस्या बढ़ रही है जिससे हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी बाहर हो रहा था, अभी देर इंस्टीट्यूट के अंदर भी हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं डर है कि हम पेशेंट को हम सुरक्षा दे रहे हैं, पेशेंट को हम उसकी सेवाएं कर रहे हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को अपने आप सुरक्षित महसूस नहीं करें। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जो भाई भाव डाक्टर मैंने कहते जो निर्दिष्ट भाव से जो भी भाव आक्रमण होने निर्दिष्ट भाव आईन आसा पर्यटन से आंदोलन जारी रखे। आपका ये एजुकेशन कब तक जारी रहेगा? This is a very shameful situation in our nation because the government is hiding many evidences and the people are also not involving in the strike. We want the people also to involve in the strike and this has to be a nationwide strike. This is too shameless to be live like this. आपण आज जो भी भाव एजुकेशन करूछंती केउ एक्सटेंड पर्यंत आपणकर एजुकेशन रहि आपका एजुकेशन कब तक जारी रहेगा? आपका ये एजुटेशन कब तक जारी रहेगा? ये एजुटेशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि जो भी विक्टिम्स के साथ हुआ है उनके सारे गुनाहगारों को पकड़ा जाए और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और विमेन सेफ्टी एक्ट जो हम जिसके बारे में हम अभी तक मांगे करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका तुरंत के तुरंत लागू हो। क्यों हमें निर्भया जैसा दूसरा किसी का वजह की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये जान सके कि देश की बेटी इधर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और हम चाहते हैं कि सोसाइटी भी इस चीज को उतना ही सीरियसली ले जितना हम डॉक्टर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर की बात नहीं, ये औरत की भी बात है। आपका ये जो बार बार जैसे डॉक्टरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ये मतलब कब तक आपका ये एजुकेशन जारी रहेगा और क्या आपका खासकर मांग क्या है? जब जे हमको जस्टिस मिलनी आमे एमिति ही कंटिन्यू करबो स्ट्राइक। जब जे जस्टिस मिलनी आज ही तांकू हेला काली हमको होबो काली सब संसार को होबो, तो हमें जस्टिस दरकार हमको।